सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना और दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। दौलत से व्यक्ति को जो सम्मान मिलता है वह उसका नहीं बल्कि उसकी दौलत का सम्मान है। दहेज में एक बहू क्या लाई ये सबने पूछा, लेकिन एक बेटी क्या क्या छोड़ कर आई ये किसी ने नहीं पूछा। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान ढूंढोगे तो अकेले पड़ जाओगे। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से खुश हों, जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। मुझे पता नहीं कि पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वह पाप है और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर हंसी आए वह पुण्य है। इंसान की पहचान दो बातों से होती है, एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ ना हो और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। योग्यता आपको ऊंचाई पर ले जाती है, लेकिन चरित्र आपको वहां बनाए रखता है। सफलता की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए बल्कि उसमें विश्वास होना चाहिए। क्रोध बुद्धि को घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजे पर चटकनी लगा देता है। खुशी तभी होती है जब आपके पास बहुत से लोग हों इसे साझा करने के लिए। तर्क आपको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचा सकता है, लेकिन कल्पना आपको सर्वतः ले जा सकती है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी बजते नहीं देखा। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयां करती है, किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। इस अफसोस के साथ ना उठो कि कल आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आज आप क्या कर सकते हैं। माना कि जिंदगी कांटों भरा सफर है, इससे गुजर जाना ही असली पहचान है। बने बनाए रास्तों पर तो सब चलते हैं, खुद रास्ते जो बनाए वही तो इंसान है। बिना हक का जब लेने का मन होता है वहाँ महाभारत का सृजन होता है, जब हक का भी छोड़ देने का मन होता है वहाँ रामायण का सृजन होता है। ढूंढना ही है तो परवाह करने वाले को ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं यारो, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। इस क्षण अपना सर्वश्रेष्ठ देना आपको अगले क्षण सर्वश्रेष्ठ स्थिति में ला देता है। तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। अगर आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो निराश मत होइए, आप सभी को सम्मान दे सकते हैं। दूसरों की खुशी के लिए किया गया हर प्रयास अपने आप को भी ऊपर उठाता है। कोई यदि आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने दीजिए, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालीख पर नहीं। जो कुछ आकर्षक और सुंदर है वह सदैव श्रेष्ठ नहीं होता है, किंतु जो कुछ श्रेष्ठ है वह सदैव सुंदर होगा। तन जितना घूमता रहे उतना ही स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। सत्य की ख्वाहिश होती है कि सब उसे पहचाने और झूठ को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान न ले। रिश्ते बरकरार रखना चाहते हो तो भावनाओं को देखो, संभावनाओं को नहीं। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। अकेला तू पहल कर काफिला खुद बन जाएगा। शतरंज का एक नियम बहुत ही उम्दा है,
चाल कोई भी चलो, पर अपने वालों को आप नहीं मार सकते। काश ये नियम इंसानों में भी होता। खूबसूरत तस्वीरें निगेटिव से तैयार होती है और वो भी अंधेरे कमरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधकार नजर आए तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहे हैं। हाथी से 1000 गज की दूरी रखिए, घोड़े से 100 गज की दूरी रखिए, सिंह वाले जानवर से 10 गज की दूरी रखिए, लेकिन दुष्ट जहां हो वहां से निकल ही जाइए। हम बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते जब तक कि हम अंदर से शांत ना हो। बचपन के वो दिन भी क्या खूब दिन थे, न दोस्ती का मतलब पता था और न मतलब की दोस्ती थी। आज इंसान के दुखी होने का एक प्रमुख कारण यह है कि वह जानता तो बहुत अधिक है पर समझता बहुत कम है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।